आप इस बदलाव को जो देख रहे हैं ये बदलाव पर आपका अपना विश्लेषण क्या है और क्या आप इसे हमारी सभ्यता के अनुसार देखिए इसके राजनीतिक मतलब हो सकते हैं सामाजिक दृष्टिकोण हो सकता है लेकिन सभ्यता के दृष्टिकोण से आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं देखिए जो बदलाव आ रहा है मैं मूल रूप से यूपी का काशी का हूं. कोई काशी का है यहां पे वाराणसी का हाथ उठाइए तो भाई बाबा की नगरी आ, हर और महादेव फिर से मैं मैं यूपी का हूँ काशी का हूँ कई बार मेरे दादा दीदी की पैदाइशी वहाँ पे हुई थी काशी में मैं और मेरा जुड़ा भाई हम लोग मुंबई में पैदा हुए थे लेकिन यूपी हर साल वापस आते रहते थे और जो बदलाव मैं देख रहा हूँ ये भारत के लिए जो एक तो आप बेसिक कह सकते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बदलाव आ रहा है लखनऊ एकदम एक शहर ऐसा बदल गया है काशी पूरा बदल गया है जो एयरपोर्ट्स रोड सब कुछ जो दिख रहा है और अयोध्या जी में भी जो सुधार जो आया है पिछले कुछ महीनों में तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि देखिए जब भी जो गंगा तट जो है जब जब भी ये ज़मीन सशक्त और धनी रही है भारत ने पूरे दुनिया भर पर राज किया है और जब भी जो यूपी बिहार वेस्ट बंगाल अगर ये गरीब रहे हैं तो विदेशियों ने भारत के ऊपर राज किया है भारत तो का भाग्य इसी भूमि से जुड़ा हुआ है इसी भूमि से जुड़ा हुआ है तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है दूसरी बात देखिए आर्थिक सुधार और सशक्तिकरण ये सब महत्वपूर्ण तो है लेकिन हम जीते क्यों हैं अपनी संस्कृति के लिए से युग से युग की सभ्यताओं में सिर्फ हमारा भारत देश है भारत की संस्कृति है जो आज भी जिंदा है जो एंशंट इजिप्ट ग्रीस रोम सब के सब मर गए सिर्फ आज हम भी हम जिंदा हैं क्यों जिंदा हैं क्योंकि हम अपनी कहानियों अपने देवी देवताओं अपने रहन सहन के चाल को हम लोग कभी भूलते नहीं हमारे पूर्वजों ने भूला नहीं और हमने भी भूला नहीं हज़ार साल के हमने आक्रमण सहे हमारे पूर्वज लड़ते रहे कभी हार नहीं मानी इसलिए हम जिंदा हैं तो ये जो हमारी संस्कृति के प्रति जो गर्व जो मैं देख रहा हूँ आजकल ये बहुत अच्छी बात है जी देखिए आप सबसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अमित जी जो आज कह रहे हैं ये अगले 20-25 मिनट में कई किताबों के पढ़ने के बराबर होगा अगर आप अपनी पहचान के बारे में जानना चाहते हैं अपनी संस्कृति के बारे में आप कौन हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं तो इनकी बात आज आप बहुत ध्यान से सुनिएगा आपको आगे तक अपनी पहचान को लेकर कभी कोई गलत फहमी नहीं होगी अमित जी आप इसको सनातन धर्म पर क्या एक नई अवेकनिंग एक नई जागृति के तौर पर देखते हैं एकदम देखिए पिछले 2000 वर्षों में एक बहाव रहा है एक एक ट्रेंड रहा है जो मूर्ति पूजक जो संस्कृतियां थी विश्व भर में हर जगह एक्चुअली ज़्यादातर तो मूर्ति पूजक संस्कृतियां ही थी इजिप्ट ग्रीस रोम सेंट्रल अमेरिका इराक सब के सब लेकिन एक ट्रेंड चला जो मूर्ति पूजक संस्कृतियां थीं एक एक करके सब मार दी गई और अब जब हम मूर्ति पूजन करते हैं तो हमारा मजाक उड़ाया जाता हमारा है। मजाक उड़ाया जाता है और ये आप देखेंगे इतिहास गवाह है कि किसी भी अगर मूर्ति पूजक सभ्यता का मंदिर अगर तोड़ दिया गया और अगर कोई दूसरे पंथ का उस पर वर्शिप प्लेस बना दिया गया तो मूर्ति पूजक सभ्यता के पास कभी वापस नहीं आता है यहाँ पे कई लोग तुर्की गए होंगे तुर्की इस्तानबुल में हागिया सोफिया एक मॉस्क है आप लोगों ने सुना भी होगा हाल में तुर्की ने उसे एक मॉस्क बना दिया हागिया सोफिया उसके पहले एक्चुअली वो चर्च था और आपको ज्ञात होगा कि जब उन्होंने चर्च को मॉस्क बनाया एक साल पहले ही तो पोप का भी एक वक्तव्य आया था और पोप ने कहा था कि यह गलत बात है क्योंकि पहले तो चर्च था वो चर्च को जबरन 500 साल पहले मॉस बना दिया गया था फिर से म्यूजियम अब फिर से मॉस बना दिया गया तो उन्होंने कहा ये तो जब ये तो ज़बरदस्ती हो गई क्योंकि चर्च था फिर मॉस बना दिया गया लेकिन किसी को ये याद नहीं है कि सोलह सो साल पहले हागिया सोफिया चर्च बनने के पहले मूर्ति पूजकों का मंदिर था वो तुर्की में भी मूर्ति पूजक थे और देवी के लिए मंदिर था वो लेकिन वो सब भूल गए और देखिए भारत ही एक देश है जो राम जन्मभूमि जी में हो रहा है कि मूर्ति पूजकों ने पुनः अपना मंदिर बनाया है ये कभी नहीं होता हुआ इतिहास में और आप सबको हमारे पूर्वजों पर और हमारे आज पर गर्व होना चाहिए कि हमने फिर से इस मंदिर को बनाया फिर से क्योंकि देखिए युद्ध में हार जीत तो होती रहती है कुछ देश जीतते हैं कुछ देश हारते हैं लेकिन सभ्यता मरती कब है जब वहाँ के लोग हार मान लें अगर आप हार माने नहीं ठीक है एक जंग हार गए फिर से वापस आएंगे जो हमारे पूर्वज करते रहे और 500 साल के स्ट्रगल के बाद ये मंदिर है